स्वागत है आपका टेक्निकल ईगुरुजी चैनल में। मैं हूँ शैलेंद्र। आइए देखते हैं आज का पहला वीडियो। क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया नहीं, लाइक किया नहीं, करिए ना प्लीज, फटाफट से लाइक करिए और फिर देखते हैं हम लोग पहला वीडियो। अक्टूबर से आयकर विभाग पूरे देश में ज्यूरिसडिक्शन फ्री इनकम टैक्स असेसमेंट सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इसका मकसद ये है कि आयकर अधिकारी करदाता से घूस न मांगे और कोई भी करदाता भ्रष्ट आयकर अधिकारी को पैसे खिलाकर सरकारी टैक्स की चोरी भी ना करे। पूरी तरह से ऑनलाइन इस सिस्टम से अब करदाताओं को आयकर भवन के चक्कर नहीं काटने होंगे। अक्टूबर से करदाताओं को इनकम टैक्स दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। अगले महीने से इनकम टैक्स विभाग ज्यूरिसडिक्शन फ्री इनकम टैक्स असेसमेंट सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसे आसान शब्दों में समझें तो अगर कोई व्यक्ति या कंपनी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है और बाद में कोई स्क्रूटनी निकलती है तो करदाता को विभाग के दफ्तर में अधिकारी के पास जाना नहीं पड़ेगा। इसको इस उद्देश्य से लागू किया गया है कि इससे जो है वो करप्शन घटेगा, क्योंकि जो है वो सारा जो भी सवाल जवाब होगा वो इंटरनेट पे होगा। इसलिए पर्सनल जो एओ और एसएससी के बीच में कोई मुलाकात नहीं होगी। इसमें ये भी प्रावधान है कि आपका असेसमेंट आपके शहर में ना होकर किसी दूसरे शहर में होगा। अब तक ऐसा सिस्टम था कि जिस शहर में आप रहते थे उसी शहर का इनकम टैक्स अधिकारी आपके रिटर्न की जांच करता था, लेकिन सॉफ्टवेयर तय करेगा आपकी स्क्रूटनी कौन करेगा। यानी अब रिटर्न भी ऑनलाइन भरना होगा और स्क्रूटनी भी ऑनलाइन होगी। ज्यूरिसडिक्शन फ्री इस सिस्टम का क्या फायदा होगा ये भी जानना जरूरी है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद करदाताओं को इनकम टैक्स दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे, जिससे आपका समय बचेगा। इनकम टैक्स अधिकारी आपसे रिश्वत नहीं मांग पाएंगे। आपकी रिटर्न की डिजिटल कॉपी सिस्टम में रहेगी। इंटरफेस कम हो जाएगा, पर्सनल कॉन्टेक्ट कम हो जाएंगे, और पर्सनल कॉन्टेक्ट के कम हो जाने के बाद में अगर एसएससी जो राइट काम करता है लेकिन ऑफिसर्स कोई किसी भी वजह से वो उसको ही वॉन्ट सम अदर एक्स्ट्रा फेवर तो वो बंद हो जाएगा। और एसएससी कभी रॉन्ग करता है और ऑफिसर के पास अगर एक्स्ट्रा फेवर मांगने के लिए जाता है वो भी बंद हो जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मानते हैं कि इस कदम से भ्रष्ट आयकर अधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। कई लोगों की शिकायत रही है कि जो भी स्क्रूटनी के असेसमेंट होते हैं उसमें या तो अफसर लोग पैसे मांगते हैं अच्छी तरह से असेसमेंट करने का, या जो आपने रिटर्न भरा है उसमें एडिशन नहीं करने का, या तो कई दफे सामने वाला एसएससी जिसने गलत आवक दिखाई है, आवक छुपाई है, कर चोरी की है, वो या तो उसका जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो भी पैसे देते हैं कई अफसरों को जो ऑनेस्ट होते हैं, अच्छे होते हैं उनके लिए। तो दोनों तरफ ये जो लाच रिश्वत का एक दूषण फैला हुआ था इनकम टैक्स में, वो काफी नाम हिंदुस्तान का खराब कर रहा था, उसको मिटाने के लिए ये एक नया कदम लिया गया है। पूरे देश में 6,50,00,000 लोग आईटीआर फाइल करते हैं। इनमें से 1.5% इनकम टैक्स रिटर्न की स्क्रूटनी होती है। अब सॉफ्टवेयर तय करेगा कि किसका आयकर का चिट्ठा कौन सा अधिकारी खोलेगा। इसमें दोनों तरफ ईमानदार लोगों का फायदा है, चाहे वो आयकर अधिकारी हो या करदाता। क्या दोस्तों, अब तक सब्सक्राइब भी नहीं किया? अरे दोस्तों, इतना अच्छा कंटेंट मैं ला रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ और आप चाहते हैं मैं आपके बना के लाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब करिए दोस्तों, नीचे लाल बटन है, ओके?